तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। जी हां, दिल्ली में ही है वो और वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कल खुद हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद झामुमो और जेएमएम और कांग्रेस के बीच बात बनती हुई नजर आई थी, सहमति बनती हुई नजर आई थी। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन रांची पहुंचे, उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, महुआ मांझी का नाम सामने आया। उसके बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर में काफी नाराजगी देखने को मिली, उन्होंने अपना बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि कल प्रभारी अविनाश पांडे रांची आ सकते हैं और वहीं आज अविनाश पांडे सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है। कल हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात कर रखी है, उसके बाद ये बातें सामने आई थी कि झामुमो और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है, लेकिन आज सारी बातें उलट हो गई है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कल प्रभारी अविनाश पांडे रांची आएंगे, वहीं आज दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रशून का। पंकज, ये खबर सामने आ रही है कि अविनाश पांडे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए अनुजा, मुद्दा साफ है, मुद्दा बस इतना है कि झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है उससे कांग्रेस कार्यकर्ता आहत हैं। ये बातें अविनाश पांडे ने भी कही और दबी जुबान में ही सही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कही। अविनाश पांडे से जब पत्रकार ने पूछा कि आप किन मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा कि झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है उससे कार्यकर्ता आहत हैं और मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा सोनिया गांधी के सामने रखने जा रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से खुलकर बयानबाजी हो रही है, कहीं कुछ दुराव छिपाव नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस से अपील की है कि कल जब महुआ मांझी नॉमिनेशन करेंगी तो कांग्रेस के भी नेता उसमें शामिल हो, इससे अच्छा मैसेज आएगा। आज भले ही अपील कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी हो या नेता हो, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह का मैसेज जा रहा है जनता के बीच। एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह जो झारखंड कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। राकेश सिन्हा जो झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अब निर्णय का वक्त है। तो इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हों, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, लगातार तो पीड़ा तो सामने दिख रही है और दिख ही नहीं रही, खुल के प्रकट भी हो रहा है। और 7 बजे के करीब बताया जा रहा है हमें कि 7 से 7:30 बजे का वक्त मिला है अविनाश पांडे को सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, और उस बैठक में जो कुछ भी निर्णय होगा, जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी आलाकमान कहेगा हम करेंगे, तो देखना ये होगा कि सोनिया गांधी से अविनाश पांडे क्या शिकायत करते हैं और इसके बाद सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोनिया गांधी की, तो कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात किए थे और उसके बाद ये बातें सामने आ रही थी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। देखिए अनुजा, सहमति बनी थी और जैसे ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर हेमंत सोरेन बाहर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चाहती है या कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी चाहती हैं कि झारखंड से कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार हो। इस पर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक है। इसके अलावा भी जब भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, तो हेमंत सोरेन ने यही कहा कि जो कांग्रेस उम्मीदवार देने को कह रही है और हमारी सहयोगी है, भाजपा झारखंड सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन रांची आए और आज सुबह वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मिले, कुछ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की और उसके बाद अचानक ये घोषणा हो जाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगी महुआ मांझी, इससे कांग्रेस को सदमा सा लगा। वो ये मानकर चल रहे थे कि हेमंत सोरेन जो भी घोषणा करेंगे वो दोनों दलों की सहमति से होगा, लेकिन रांची आने के बाद हेमंत सोरेन, जहां तक हमें जानकारी है, हेमंत सोरेन या कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी पदाधिकारी ने कांग्रेस के किसी भी नेता से कोई बातचीत नहीं की थी और ये एक तरफा घोषणा थी और इसी से कांग्रेस आहत है। कांग्रेस ही नहीं आहत है, उसके कार्यकर्ता भी आहत है और जो विधायक है वो भी आहत है। बिल्कुल पंकज, तो क्या इसे मान लिया जाए कि महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, तकरार बढ़ गई है और ये तकरार कहां तक जाती है आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कांग्रेस आलाकमान क्या चाहता है,
क्या कांग्रेस आलाकमान राज्यसभा की एक सीट के लिए हेमंत सोरेन के साथ अपने रिश्ते खराब करेगा? हमें लगता है कि अभी तो नहीं, क्योंकि जो देश के राजनीतिक हालात हैं उसमें अभी कांग्रेस इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि सरकार गिरा दे। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि अविनाश पांडे जाएंगे सोनिया गांधी से मिलने, तो सोनिया गांधी का क्या रुख होगा, क्योंकि ये जो बातचीत हुई थी वो हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच हुई थी, तीसरा कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। तो अंदर क्या कुछ बातचीत हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन ने बताया सोनिया गांधी को? तो सोनिया गांधी के रुख पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हो सकता है कि जो हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई हो उसकी पूरी जानकारी नीचे के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उन्हें नहीं मिली हो, क्योंकि बहुत कम वक्त मिला। एक दिन पहले मुलाकात हुई, उसके बाद हेमंत सोरेन रांची पहुंचे और आज घोषणा हो गई। तो देखना यह होगा कि कांग्रेस आलाकमान का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि ये बैठक मुलाकात 7 बजे होगी सोनिया गांधी से। अविनाश पांडे मुलाकात करेंगे, इससे पहले हेमंत सोरेन दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात किए थे, उस वक्त कांग्रेस प्रभारी वहां पर मौजूद नहीं थे, उस बातचीत में वो शामिल नहीं हुए थे और आज वो 7 बजे शाम 7 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। हालांकि बता दें कि कांग्रेस के झारखंड कांग्रेस के नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली है जब से जेएमएम ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। दबी जुबान में कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि कल अविनाश पांडे रांची आएंगे। तो बता दें कि अब कांग्रेस और कह सकते हैं कि झारखंड में महागठबंधन में तकरार बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है।